हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ अपने पोर्च एरिया का ओवरव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये है मेरे घर का पोर्च एरिया और यहाँ से ये गेट है। जब हम गेट से एंटर करते हैं तो मेरा ये पोर्च एरिया शुरू होता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी है और यहाँ से जब हम इसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये मेरा पोर्च एरिया कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें जो आप ये गेट देख रहे हैं वो भी मैंने बनवाया है और ये कुछ वेस्ट जाली रखी हुई थी तो इनको फैब्रिकेटर से मैंने जुड़वाया है। और ये पिलर्स भी रखे थे तो इन्हें भी मैंने इसमें अटैच करवाया है। तो ये इस तरीके से मेरा ये गेट बन जाता है। और नीचे की तरफ इसे मैंने मनी प्लांट्स लगा दिए हैं और इनकी बेल को मैंने इस पिलर्स पर चढ़ा दिया है। तो ये मेरे गेट का ओवरऑल लुक निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही में मैंने इसमें कुछ गार्डन डेकोरेशन के लिए इस तरीके की बर्ड नेस्ट लगाई हैं और ये है दिया स्टैंड। और इस तरफ मैंने ये प्लांटर स्टैंड बनाया है जो कि वेस्ट लकड़ियों से बना है और इसको मैंने एक लैडर के फॉर्म में बनाया है। मैं इसका वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप देखना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। इस तरफ मैंने इस तरीके से दो प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिस पर मैंने ये कुल्हड़ प्लांटर रखे हुए हैं अपने, और नीचे भी मैंने इस तरीके से कुल्हड़ प्लांटर रखे हैं और ये प्लास्टिक की बॉटल में मैंने एक जेड प्लांट की कटिंग्स लगाई हैं और ये है मेरे कुछ स्टोन आर्ट। ऊपर की तरफ मैंने ये रियो का प्लांट लगाया हुआ है और नीचे की तरफ मैंने इस तरीके के हुक प्लांटर में ये जेड प्लांट, स्पाइडर प्लांट्स तरीके की कटिंग्स लगाई हैं और ये स्पाइडर प्लांट मैंने कटिंग से लगाया था। और ये देखिए इसमें किस तरीके से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। और इस तरफ है ये एक्सोरा के प्लांट्स, ये एक्सोरा की डॉफ वैरायटी है। आप देख सकते हैं इसमें बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं। और एक्सोरा के मेरे पास दो तीन प्लांट्स हैं कलर्स में, वाइट और पिंक में। इस तरफ मैंने कुछ कटिंग से प्लांट्स ग्रो करे हैं, जैसे कि इसमें कुछ अभी कटिंग्स लगा रखी हैं, जैसे ये वॉन्डरिंग जू की कटिंग है और ये सॉन्ग्स ऑफ इंडिया की कटिंग लगाई है। ये है जेड प्लांट, इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये है फिंटास का प्लांट और इधर है सिंगोनियम, आप देख सकते हैं इसमें न्यू लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। ये है मधुमालती का प्लांट, इसमें भी बर्ड्स आ रही हैं, फ्लावरिंग इसमें भी शुरू हो गई है। और ये कुछ स्टोन आर्ट बना के मैंने एक वेस्ट बास्केट में लगाया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ मेरे बॉटल्स में स्पाइडर प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने प्लांटर स्टैंड जिसमें हिबिस्कस का प्लांट, करी पत्ती का प्लांट, स्पाइडर प्लांट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया और साइड में लगा हुआ है पर्पल हार्ट का प्लांट। स्पाइडर प्लांट में इस तरीके के बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, आप इससे एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। सामने वाली वॉल को मैंने इस तरीके से टायर और मटकियों से डेकोरेट किया है। टायर में मैंने लगाया है पर्पल हार्ट का प्लांट और सामने ये वेस्ट कार्डबोर्ड से ही मैंने इसको बनाया है और इसमें लिखा है किंगडम प्लांटी। और यहाँ पे मेरी बेटी के कुछ टॉयज़ हैं जो कि वेस्ट हो गए थे, बेकार थे, इन्हें मैंने दोबारा से थोड़ा सा पेंट करके
यहाँ पे सेट कर दिया है और जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस तरफ लगे हुए ऑरेलिया का प्लांट और ये एक मग में मैंने लगाया है विंका का प्लांट। इसमें मॉटल को कट करके इस तरीके से हनी बी का लुक दिया है और इसमें लगाया है विंका का प्लांट। और ये है ऑयल कैन प्लांटर जिसको मैंने कट किया हुआ था और इसमें भी मैंने स्पाइडर प्लांट ग्रो किया है। और यहाँ पे भी बॉटल्स में स्पाइडर प्लांट ग्रो किए हुए हैं। मुझे बॉटल्स में प्लांट्स को ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी बेटी के शूज़ हैं, पुराने हैं और वेस्ट हैं। इनमें भी मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग्स लगाई है जो कि काफ़ी अच्छे से चल गई है। इन प्लास्टिक के प्लांटर में भी मैंने लगाया हुआ है विंका के प्लांट्स। विंका की ये देसी वैरायटी है और इधर लगा हुआ है ड्रेसीना। और ये है छोटे से प्लांटर में लगा हुआ इंग्लिश आईवी का प्लांट जो कि अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इस तरफ है ये मेरा पीस लिली का प्लांट। यहाँ भी मैंने कुछ बॉटल्स को कट करके उनमें कटिंग्स लगाई है और इन्हें वॉल पे लगाया है। और इस तरफ मैंने कुछ वेस्ट कुल्हड़ पे कोटेशंस लिखी हैं और इन्हें स्टोन आर्ट के साथ यहाँ पे डेकोरेट किया है। और यहाँ पर ये नीचे है मोगरे का प्लांट, इस तरफ है क्रोटन, यहाँ पे कई सारे स्पाइडर प्लांट्स की कटिंग लगाई हुई है। और इस तरफ भी प्लांटर्स में कुछ प्लांट्स लगे हैं लाइक ड्रेसीना, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, क्रोटन। और सामने है मेरा ये फाउंटेन। और ऊपर हैंगिंग प्लांटर्स में भी मैंने लगाया हुआ है बेबी टीयर्स का प्लांट। ये बहुत इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। और दूसरे प्लांटर में है ये टेंगल हार्ट का प्लांट। सर्दियों में इसमें ग्रोथ स्लो हो जाती है, अभी मौसम चेंज हो रहा है और ये अच्छे से ग्रो करेगा। और इस तरफ है ये जेड प्लांट जिसमें नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और उस तरफ बनाया है एक बर्ड हाउस जो कि उस वॉल पे लगा है। और सेम ऐसा ही एक और बर्ड हाउस बनाया है जो कि इस तरफ लगा हुआ है। और इस तरफ इस छोटे से क्यूट प्लांटर में मैंने लगाई हुई है स्पाइडर प्लांट की कटिंग छोटी सी बॉटल को कट करके। और इस तरफ भी मैंने लगाया हुआ है बेबी टीयर्स की कटिंग। और यहाँ पे वेस्ट जो केक पेस होता है उस पे पेंटिंग करके मैंने उसे एज अ वॉल डेकोर यूज़ किया है। और इस तरफ वेस्ट बुके स्टैंड का यूज़ करके मैंने DIY प्लांटर स्टैंड बनाया है जिसमें मैंने लगाया है स्नेक प्लांट। और यहाँ मैंने कुछ समर प्लांट्स और कुछ पॉट्स लिए हैं, इनको मुझे टेरेस पे लगाना है। इस तरफ है मेरा ये ऑयल कैन प्लांटर जिसमें मैंने बिगोनिया लगा रखा है। ये बिगोनिया मैंने दो प्लांट्स लिए थे बट एक प्लांट बिना ख़राब हो गया था ज़्यादा बारिश की वजह से। और ये भी लगभग ख़राब ही हो गया था बट इसको मैंने कटिंग से ग्रो कर लिया है और अब इसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है। और यहाँ पे मैंने कुछ समर के लिए पार्चुला का प्लांट्स परचेज किए हैं। ये पार्चुला का की हाइब्रिड वैरायटी है। पार्चुला का समर के लिए बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और साथ ही मैंने लिया है स्वीट पोटैटो वाइन, ये सनफ्लावर का प्लांट। स्वीट पोटैटो वाइन के मैंने ग्रीन और पर्पल दोनों वैरायटी ली है। इन दोनों कलर्स को जब मिक्स करके लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरफ है मेरे कुछ हैंगिंग प्लांटर जिसमें पिटूनियाज लगे हुए थे और अब ये धीरे धीरे जा रहे हैं तो इनमें अब मैं लगाऊंगी पार्चुला का। और इधर भी कुछ बॉटल्स में मैंने टर्टल वाइन को ग्रो किया है। और इधर इस बॉटल में मैंने एक कटिंग लगाई है जो मुझे एक प्लांट की मिली थी। इस प्लांट का नाम तो मुझे नहीं पता बट इसकी कटिंग बहुत डेड था ये प्लांट, तो मैंने इसकी कटिंग को इसमें लगा दिया और अब ये चल गया है और इसमें नई नई लीव्स आ गई हैं।
यहाँ पे मैंने समर के लिए कुछ बोगनवेलिया परचेज किए थे, जिसमें ऑरेंज शेड का और वाइट शेड का मैंने बोगनवेलिया परचेज़ किया है। और साथ ही लिया है मैंने कॉसमॉस का प्लांट। कॉसमॉस का प्लांट समर के लिए बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। इन प्लांट्स को मैं अपने टेरेस पे लगाऊंगी। और यहाँ पे पॉट में लगा रखा है मैंने चाइना पाम। चाइना पाम बहुत अच्छा प्लांट होता है, इसमें लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और ये बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है। और इसको मैंने कुछ अपनी स्टोन आर्ट से डेकोरेट किया है। इस तरफ बनाया हुआ है ये वेस्ट लकड़ियों से बना प्लांटर स्टैंड, जिसमें बॉटल्स को कट करके उसमें स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट्स की कटिंग्स लगाई हुई थी, जो बहुत अच्छे से ग्रो कर गई हैं। इन मटकियों में भी मैंने लगाया हुआ है मनी प्लांट। सामने ये केक बेस से बना हुआ वॉल डेकोर, और यहाँ पे भी एक DIY प्लांटर स्टैंड जिसमें पर्पल हार्ट्स लगा हुआ है, और ये एक केज प्लांटर वेस्ट बॉटल से बना हुआ। और इस तरफ शू रैक के ऊपर रखे हुए हैं मेरे मनी प्लांट्स, जिन्हें मैंने वाटर में ग्रो किया हुआ है। इन्हें मैंने वेस्ट कप्स में लगाया है, पुरानी बॉटल्स में लगाया है। इधर लगी हुई है सिंगोनियम की कटिंग, ये भी पानी में बहुत अच्छे से चल जाता है। और यहाँ पे इन बास्केट्स में मैंने लगाया हुआ है टर्टल वाइन, जो कि सब में मैंने कटिंग्स ही लगाई हैं। कुछ देखिए, कुछ ग्रो भी हो चुकी हैं। तो ये है मेरे पोर्च एरिया का ओवरव्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।